जब आपकी चैनल पे एक वीडियो वायरल हो जाएगी ना तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से सब्सक्राइब आता है, किस तरीके से व्यूज आता है और यहाँ पे आपकी चैनल किस तरीके से बूस्ट होती है। आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से वीडियो वायरल। सो गाइस, टेक्निकल दीपोरम चैनल में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। यानी कि आपने काफी सारे यूट्यूबर को देखा होगा जो आपको बताते हैं कि इस समय पे आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा। कई यूट्यूबर तो ऐसा बताते हैं कि आप इस तरीके से वीडियो अपलोड करोगे या तो आप इस समय पे वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी चैनल पे व्यूज की बारिश हो जाएगी। काफी सारे यूट्यूबर इस तरीके से बोलते हैं। आपने इस रिलेटेड काफी सारी वीडियो देखी होगी, आपने वो भी यहाँ पे फॉलो किया होगा, लेकिन यहाँ पे व्यूज नहीं आता। ऐसा भी आपके साथ हुआ होगा, यानी कि इस तरीके से आपने सुबह में वीडियो अपलोड की होगी या तो शाम को वीडियो अपलोड की होगी, यानी कि जो भी यहाँ पे बताए उस टाइप से यहाँ पे आपने वीडियो अपलोड करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपकी वीडियो में व्यूज नहीं आता। उसके वीडियो में व्यूज आता है लेकिन आपकी वीडियो में व्यूज नहीं आता, तो ऐसा क्यों होता है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। यानी कि आपका जो भी यहाँ पे डाउट है वो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे यूट्यूबर ऐसे बताते हैं कि इस टाइम आप वीडियो अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा और यहाँ पे आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब में ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं जो आप वीडियो अपलोड करो, यानी कि आप सुबह में वीडियो अपलोड कर सकते हो, दोपहर में भी वीडियो अपलोड कर सकते हो या तो शाम को भी आप वीडियो अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पे कोई भी ऐसा टाइम फिक्स नहीं कि आप वीडियो अपलोड करो। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी की चैनल है जिसमें टाइम मायने रखता है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी ऐसी भी चैनल है जो यहाँ पे टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करते हैं। यानी कि आप यहाँ पे यूट्यूब में काम करते हो तो रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आपका बेटर है। यानी कि आप अभी से यहाँ पे चैनल बनाते हो और स्टार्टिंग में आप वीडियो अपलोड करते हो तो दिक्कतें होती है, क्योंकि आप इस तरीके से वीडियो नहीं बना सकते जिसकी वजह से आपको 2 दिन हो जाता है या तो 3 दिन हो जाता है या तो 6 दिन हो जाता है, इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको रेगुलर काम करना है, यानी कि आप वीक में एक वीडियो डालते हो तो हर वीक में एक वीडियो डालिए, या तो 2 दिन में वीडियो डालते हो तो 2 दिन में डालिए, लेकिन आपको रेगुलर इस तरीके से वीडियो अपलोड करना है। ऐसा नहीं कि आपको डेली वीडियो अपलोड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे टाइम भी ऐसा फिक्स नहीं कि आपको इसी टाइम से वीडियो अपलोड करना है, क्योंकि मैंने फॉलो किया है, मैंने हर रोज वीडियो अपलोड किया है तो भी यहाँ पे व्यूज का प्रॉब्लम होता था, और यहाँ पे शाम को मैं वीडियो अपलोड करता था तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता था। यानी कि मेरी वीडियो पे आप देखेंगे तो आपको टाइम मालूम पड़ जाएगा कि मैं किस तरीके से वीडियो अपलोड करता हूँ, मैं जिस तरीके से वीडियो बनाता हूँ उसी टाइप से यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इस टाइम से ही वीडियो अपलोड करें, यानी कि आप किसी भी टाइम पे वीडियो अपलोड कर सकते। लेकिन मैं आगे बताता हूँ, यानी कि इस कैटेगरी में आपकी चैनल है तो टाइम फिक्स रखना पड़ेगा। यानी कि कुकिंग की चैनल है या तो एजुकेशन की चैनल है जिसमें टाइम मायने रखता है, यानी कि सुबह में आप वीडियो डालते हो तो सुबह में डेली वीडियो डालिए, ताकि आपकी जो भी ऑडियंस है वो यहाँ पे सुबह में वीडियो देखना चाहती है, या तो कोई भी ऐसी ऑडियंस है जो शाम को वीडियो देखना चाहती है, तो इसी टाइप से आपको टाइम मायने रखता है। वो सीखना चाहती है इसलिए यहाँ पे टाइम मायने रखता है। लेकिन आपकी टेक की चैनल है या तो ब्लॉगिंग की चैनल है, हाउ टू की चैनल है, तो इस तरीके से चैनल है जिसमें टाइम मायने नहीं रखता, आप कोई भी टाइम पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यानी कि सुबह में वीडियो अपलोड कर सकते हैं या तो शाम को वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले तब आप वीडियो अपलोड कीजिए। और यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ, आपकी चैनल किसी भी कैटेगरी में है और यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक आता है तो आपको तुरंत ही वीडियो बनाना है, यानी कि आप तुरंत ही वीडियो बनाते हो तो ज्यादा से ज्यादा वायरल होने का चांस रहता है, यहाँ पे आपकी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आता है। यानी कि यूट्यूब रिलेटेड कोई अपडेट आ गया या तो कोई भी ऐसा नया टॉपिक आ गया या तो कोई भी ऐसा वीडियो वायरल हो गया या तो कोई भी ऐसा सॉन्ग आ गया जिसकी वजह से काफी सारे लोग देखते हैं, तो उसी पे आप वीडियो बनाने की कोशिश करें। भले ही यहाँ पे काफी सारे यूट्यूबर ने बना दिया लेकिन आपको बनानी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते जो यहाँ पे बना देते हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते जो यहाँ पे नहीं बनाते, क्योंकि काफी सारे लोगों ने बनाए तो मैं नहीं बनाऊंगा, तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि आपको भी बनाना है, क्या पता कि आपकी वीडियो ही ग्रो हो जाए, या तो दूसरों ने जो भी यहाँ पे वीडियो बनाए उस वीडियो को पूरा देखिए कि उसने किस तरीके से बताया, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे कमी होती है उस कमी को आप पूरा कीजिए, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो सके उस डिटेल को आप बताने की कोशिश करें, ताकि आपकी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, जिसकी वजह से एक वीडियो आपकी चैनल की वायरल हो जाएगी तो काफी सारी वीडियो आपकी देखी जाएगी, तब से आपकी चैनल ग्रो करना शुरू कर देगी, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसकी वजह से काफी सारी वीडियो आपकी वायरल होने का चांस रहता है। काफी सारे ऑडियंस ऐसी होती है जो आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप वीडियो बनाते हो,
तो आपको उसी टाइप से काम करना होगा। यानी कि कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाता है या तो किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाता है तो आपको पसंद आता है तो आप तुरंत ही बना लीजिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने बनाए तो मैं ना बनाऊँ, ऐसा आपको नहीं सोचना। आपको भी इस तरीके से वीडियो बनानी, लेकिन आपको जो भी यहाँ पे कमी दिखती है उस कमी को पूरा कीजिए। जो भी आप वीडियो देखते हो और पे उसी वीडियो को आप बनाने की कोशिश करते हो तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट देखिए कि किस तरीके से लोगों ने कमेंट किया है, किस तरीके से सवाल किया है, उस सवाल का जवाब आप दीजिए अपनी वीडियो में। आप पूरी कोशिश करें अपने थंबनेल में कि मेरे इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको इस टाइप से काम करना होगा, तब जाके आपकी वीडियो वायरल होगी और पे तब जाके आपकी वीडियो में व्यूज आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप इस टाइम पे वीडियो अपलोड करते हो तो ही आपकी वीडियो वायरल होती है। यूट्यूब में कोई भी ऐसा नियम नहीं है। और अपन लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आपकी चैनल नई है जिसकी वजह से आपकी चैनल में एक सब्सक्राइब नहीं, और यहाँ पे जब तक आपकी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं, जब तक आपके पास ऑडियंस नहीं, तब तक आपकी वीडियो में व्यूज नहीं आएगा। वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर को देखेंगे जो कोई भी ऐसा थंबनेल लगा देते या तो किसी भी वीडियो बना देते लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएगा क्योंकि उसके पास ऑडियंस है। और यहाँ पे आपके पास ऑडियंस नहीं होने की वजह से आप कितना भी अच्छा वीडियो बना लीजिए लेकिन वीडियो में व्यूज नहीं आएगा। वो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे चैनल पे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा, और यहाँ पे आप मेरी वीडियो देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ, किस तरीके से वीडियो में अपलोड करता हूँ। और यहाँ पे व्यूज देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑडियंस नहीं होती तो आपके वीडियो में व्यूज नहीं आएगा। लेकिन आपको हार नहीं माननी, भले ही आपका 10 सब्सक्राइब है या तो 200 सब्सक्राइब है, लेकिन हार नहीं माननी। रेगुलर आपको वीडियो बनाते रहना है जो आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो आप व्यूज के बारे में या तो सब्सक्राइब के बारे में मत सोचिए। जब आपकी चैनल पे एक वीडियो वायरल हो जाएगी ना तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से सब्सक्राइब आता है, किस तरीके से व्यूज आता है, और यहाँ पे आपकी चैनल किस तरीके से बूस्ट होती है। आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से वीडियो वायरल हो गई। तो इस टाइप से आपको हार नहीं मानना, आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहना है। और यहाँ पे आप वीडियो में व्यूज लाना चाहते तो आपकी वीडियो क्वालिटी और यहाँ पे आपकी ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी या तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। और यहाँ पे खास बात यह है कि आपकी स्पीच जो यहाँ पे ऑडियंस को पता चले कि किस तरीके से आप बात कर रहे हो, और यहाँ पे आपकी एडिटिंग, उस बातों को ध्यान में रखते हुए आपको वीडियो अपलोड करोगे। आपकी वीडियो में स्टार्टिंग में नहीं लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके आपकी वीडियो में व्यूज भी आएगा और यहाँ पे आपकी वीडियो वायरल भी होगी। तो यहाँ पे मैं लास्ट में ये बताता हूँ कि आप कोई भी टाइम पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, और आपकी वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी और यहाँ पे आपकी स्पीच अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करें, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी यहाँ पे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करें। या तो डेली नहीं कर सकते तो 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करें, या तो 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करें। आप इस तरीके से यूट्यूब में काम करें जिसकी वजह से आप एक दिन सक्सेसफुल यूट्यूबर बनेंगे। सो गाइस, क्या आपको यूट्यूब रिलेटेड या तो कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका जो भी डाउट है वो यहाँ पे मेरे को बता सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।